हट जाओ, हट जाओ, थोड़ा साइड दो, हट जाओ, थोड़ा आप लोग आइए, कोई बैठिए। हाँ रंजीत जी, थैंक यू मिनिस्टर। आपको आना पड़ेगा, पूरा लड़ूंगा पूरा। हेलो हेलो दादा, रोल कैमरा, रोल सब रेडी, चलो स्टार्ट। सुनो हेलो रोल किसको नहीं बात नहीं, बात इंटरव्यू कर लेते। सब तरफ सारे एंगल ले कहना चाहता हूँ। जो मैं बैठा हूँ, मेरा पास में बैठा है राकेश जैन जी, जो महासती मैना सुंदरी प्रस्तुत कर रहे हैं टीवी चैनल का, जो पारस चैनल में जो बना रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात जो है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आशा भोसले जी एंड बापी लहरी कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं। और मैं आशा जी के लिए एक ही बात कहूँगी, जो आशा जी 300 गाना मेरा सबसे ज़्यादा गाना गाए आर डी बर्मन से ज़्यादा, तो आशा दीदी एग्री किया है और उनको गाना बहुत पसंद आया। महाशती मैना सुंदरी का गाना सुन के मैं सीडी भेजा था, बहुत पसंद आया। मैं मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और महाशती मैना सुंदरी जो गुरु जी है उनका भी आशीर्वाद चाहिए। और मेरा पास में बैठा है पुलक सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, उनको मैं सत 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 प्रणाम करता हूँ। और रंजीत शर्मा जी बैठे हैं पास में, जिन्होंने मेरा साथ दो तीन पिक्चर कर रहे हैं और इसके भी हैं। तो मैं चाहता हूँ बस आप लोग ये सीरियल जरूर देखिए, महासती मैना सुंदरी, जिसका गाना मैं और आशा दीदी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आज का दिन में मैं कुछ पोर्शन मेरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काल दीदी आ रहे हैं 5 बजे आशा दी गाना गाएगी। तो बस मैं आज का ये फंक्शन जो है डेडिकेटेड टू महासती मैना सुंदरी। थैंक यू। हाँ जी, है नहीं, आशा दीदी आज आने वाली थी लेकिन पूना से आए हैं तो थोड़ा थक गए, तो आशा दी के तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। आशा दी का जो एज है तो उनका उनका लिए तो देखिए, जैसे मेरा गाना है इंतहा हो गए इंतज़ार की, आई ना वो खबर मेरे यार की, तो इंतहा हो गया क्या। दीदी के लिए कुछ बात ही नहीं है, दीदी आए आप लोग को साथ काल मिलेंगे, जो जो आप लोग को प्रेस का आ सकते हैं आइए। और दीदी बोली है काल बापी, मैं थोड़ा थक गया, बहुत दिन बाद तेरे साथ गाना गा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से वॉइस को थोड़ा सेव करके मैं गाना गा रही हूँ। इलेक्शन हो गया अभी, महासती इलेक्शन के बाद छोड़िए। अभी मैं एक ही बात कहूँगा, मैं एक ही बात जानता हूँ, केंद्र अभी मोदी जी का लहर है। राजनाथ जी को मेरा बहुत बहुत मैं सम्मान करता हूँ। और मैं अभी अभी हमको, हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। और वो मेरा जन्मभूमि है कलकत्ता, और ये तो मेरा कर्म भूमि है महाराष्ट्र, इनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, कैंपेनिंग तो अभी शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ और उसके बाद फिर से जाऊँगा नॉमिनेशन के लिए। फिर तो मैं थोड़ा 2 हफ्ता रहने वाला हूँ कैंपेनिंग। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है, प्रधानमंत्री के?
मैं तो बोला उनका ही लहर चल रहा है, अभी कुछ बोलने का नहीं है, सेकेंड नाम है ही नहीं कुछ, पूरा भारत में उनका लहर है। और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में साथ में थे, उनका जो स्पीच, उनका जो भाषण जिस ढंग से 5 लाख आदमी को दिया, मैं भी गाना गाया था उसके बाद। नहीं मैं तो बहुत दिन, मैंने मैं सबसे लेट आया बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत मुश्किल से, क्यों अमिताभ बच्चन जी आज 20 साल पहले इलाहाबाद से लड़ चुके हैं, और धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना जी, हेमा मालिनी जो हमारा बीजेपी का है, सब लोग, शत्रुघ्न साहब, बहुत ही अच्छे, सब बड़े बड़े रति महारथी हैं, और अच्छा है, क्यों नहीं, इतना साल काम करने के बाद, 42 ईयर्स काम करने के बाद, अगर कुछ देश की सेवा करें, मेरा तो यही विचार है। मैं बहुत 500 फिल्म्स किया है, अभी भी बहुत फिल्म आ रहे हैं इस साल में, बट मैं फिल्म तो रह गई, पॉलिटिक्स रहेगा। थैंक यू। चुन के आएंगे तो श्रीरामपुर में, जो जहाँ से मैं लोकसभा चुनाव के लिए आ रहा हूँ, तो जरूर उनके लिए काफ़ी मैंने वादा किया है, मैं अभी तक सब जगह में, सब चैनल में बोल चुका हूँ, वो वादा करेंगे, वो वादा पूरा करेंगे। क्या क्या पॉलिटिक्स, देखिए अगर आपका माथा ठंडा हो, आप अगर शांति चाहिए, बीजेपी का नाम है सुख शांति, बीजेपी का नाम है हथियार, तो सब बीजेपी जो है बहुत सुंदर, एक अलग ही है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी है, फोटोग्राफ्स है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटोग्राफ्स है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और मेरा हिसाब से पॉलिटिक्स बुरा नहीं है, जब तक आप कुछ घपला नहीं किया इधर उधर का माल, इधर उधर, तब तक आप बहुत अच्छा है, जैसा परिवर्तन आ गया, परिवर्तन हो। थैंक यू। नहीं, जो क्या करते हैं, क्यों, कौन, क्या नहीं, मैं, मेरा उससे, उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं कलकत्ता का लड़का हूँ, बंगाल का लड़का हूँ, जन्म मेरा कलकत्ता में हुआ, मैं करूँगा उनके लिए, करूँगा जो श्रीरामपुर में के लिए, मैं अगर वादा करके आऊँगा तो वो सब काम मैं निभाऊँगा। सब ठीक हो गया, सब गलत न्यूज आ रहे हैं, एवरीथिंग सॉर्ट आउट, सब शांति है। अभी 42 सीट में लास्ट 2 सीट बाकी था, एक जादवपुर, श्रीरामपुर, बापिदा को कल फोन करके राजनाथ जी का आदेश हुआ, आप श्रीरामपुर से लड़िए और जीत के आइए, बस। क्यों, कलकत्ता में भी टीएमसी का आधा 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 एमपी बनने के लिए देव, मनमोहन सेन, सुंदर आए, काफी फिल्म स्टार आया, ये तो आजकल फिल्म स्टार के लिए तो उन लोग चाहते हैं, फेस वैल्यू है, पब्लिक देखते हैं कुछ क्या बोलते हैं, बट मैं देखिए इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं पॉलिटिक्स में आया, अब भी मैं पॉलिटिक्स में आया, और मैं कोशिश करूँगा, जो मैं वादा करूँगा वो पूरा करूँगा। थैंक यू। अभी कुछ नहीं, अभी महासती मैना सुंदरी, बस महासती मैना सुंदरी, गुरु जी को प्रणाम। राकेश जी से एक सवाल करना चाहते हैं। बोलिए राकेश जी, आप जो सीरियल के बारे में हमारे ऑडियंस, हाँ बताइए सीरियल के बारे में बताइए। एक सीरियल, एक भाग्य से रिलेटेड कहानी है, ये जैन धर्म की जस्ट लाइक रामायण और महाभारत कथा जैसी है, वैसी ही जैन धर्म के लिए ये कथा है। इसमें दो बहनों की कहानी है, ये इसमें एक बहन अपने पिता की आज्ञा के अनुसार शादी करती है, और एक पिता से लड़ती है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे तो भाग्य में जो है वो ही मैं करूँगी, और जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मेरे साथ होगा। इसको उनके पिता जो राजा थे क्रोध में आके एक कोड़ी से शादी कर देते हैं। अब कोड़ी को वो अपना पति मानकर उसकी सेवा पूजा धर्म से अपना पूरा उस पर सब कुछ अपना न्योछावर करके उसको ठीक करती है। वो भी एक बहुत बड़ा राजा होता है, सिर्फ कोड़ के लिए वो देश से बाहर निकला हुआ होता है,
कुल मिला के कहानी ये भाग्य की कहानी एक ये है, और भाग्य प्रधान इसको इस कहानी में इसका कथानक ये है कि एक भाग्य प्रधान कहानी है। सफीदा, ये गाने आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, इस गाने के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। ये टाइटल सॉन्ग है महासत्य मैना सुंदरी, और गाना लिखा है राजेंद्र लालपुरी। राजेंद्र जी आइए, आइए आइए। उनका पिताजी बहुत बड़े राइटर है नक्श लालपुरी जी, उनका बेटा है राजेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। हम गाना इन्होंने ही गाना लिखा है महासत्य मैना। आइए आइए सर, आइए। ये पारस चैनल के मालिक सर। अच्छा अच्छा, बोले बोलिए बोलिए। अरे आइए आइए, ये सब चैनल के मालिक। अरे बाप, आइए बेटा, और चेयर दे दे, चेयर दे, ओ चेयर दे दो ना। पपीता, आज जो गाना रिकॉर्ड कर गया है उसके दो लाइन सुना दीजिए आप। बैठिए प्रदीप। कागज है तो बस मैं एक लाइन बोल देता हूँ। महासती मैना सुंदरी को मेरा सत सत प्रणाम, महासती मैना सुंदरी को मेरा सत सत प्रणाम। थैंक यू। अभी आप कुछ बोले। ये पारस चैनल के ओनर्स हैं जिस पे ये टेलीकास्ट होने जा रहा है ये सीरियल। जैन धर्म के लिए ये पहला मेगा सीरियल जो अब तक किसी कहीं नहीं आया है वो पारस चैनल दिखाने जा रहा है। 13 अप्रैल महावीर जयंती के दिन आप सबको सुबह 10 बजे से देखने को मिलेगा महासती मैना सुंदरी का सीरियल। वाह क्या बात। और फर्स्ट टाइम नहीं, और फर्स्ट टाइम आशा भोसले जी गा रही है महासती मैना सुंदरी का टाइटल सॉन्ग। टाइटल सीरियल का इतिहास में पहला, कोई भी उनकी जिंदगी का पहला कोई किसी सीरियल का टाइटल सॉन्ग। मैं सीरियल के लिए भी गाना नहीं कंपोज किया। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी है पप्पी लहरी जी का और आशा भोसले जी का, जिन्होंने अपना मैं इनका बोलूंगा हमारे इस सीरियल को दिया। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद, पुलक सागर जी का आशीर्वाद, उनका ही आशीर्वाद से, उनका आदेश से। Whenever I'm real.